also one of those working professionals who are based out of hometown and immensely craves for a good home-cooked meal. अरे नहीं, अभी नहीं खाया, सुबह से मीटिंग्स है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अच्छा कहाँ मिलेगा यहाँ घर जैसा खाना? पर ठीक है रुको, अच्छा बाद में फोन करूँगी। खाने चले? हाँ यार भूख तो बहुत लगी है। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फिर, पिज्जा फ्रेंच फ्राइज। यार वो तो रोज ही खाते हैं। फिर कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। घर का खाना खाना था यार। ये कहाँ मिलेगा? Hey, why don't you try Campus Heart? ये क्या है? Just try this app. You can get home cooked food from here directly from kitchen. Two innovators named Guddu Kumar and Shailendra Yadav have come up with a solution in the form of Campus Heart. This is an online platform that provides home cooked meals at your doorstep. कैंपस हार्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी, मैं और हमारे दूसरे को फाउंडर है शैलेंद्र कुमार यादव। शुरुआत करने का हमारा मकसद था कि कैसे हम कम्युनिटी के लोगों को जोड़ सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और जिसको सॉल्व करने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम लोगों को कैसे जोड़ सकें। चैलेंजेस देखिए स्टार्टिंग में आते थे, तब हमें लगता था कि हम कैसे नए किचन्स को ढूंढेंगे, कैसे उनको ऑनबोर्ड करेंगे, चीज़ें होंगे। बट धीरे धीरे जब आपके पास लोग आने लगते हैं और आपकी उनकी सेल होने लगती है, तब हमें खुद लोग अप्रोच करने लगते हैं कि भाई हमें भी आपके साथ जुड़ना है, आपके लिए आपके उसमें सेल करना है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग दूसरे शहर में जाने वाले हैं काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहली प्रॉब्लम जब हम बाहर जाते हैं तो यही फेस करते हैं कि हम डेली का खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि आप घर से दूर होते हो और आसपास के जो अभी के जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो आप किसी ढाबे में जाके खाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, पर कोई भी खाना वैसा सेटिस्फैक्शन या वैसा आपको वो नहीं देगा जो आपको आपको घर पर मिला करता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कैंपस हार्ट बनाया है, जहाँ पर आप जहाँ पर भी रहो वहाँ के आसपास की जो महिलाएं हैं जो अच्छा खाना बनाती है उनके थ्रू आप ऐप से खाना ऑर्डर अपने घर पे मंगा सकते हैं। हमारी ऐप का USP ये है कि हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो एग्जिस्टिंग जो फूड सप्लाई दे रहे हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, पर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको वो सेटिस्फैक्शन दे जहाँ से आप डिपेंडेंट हो सके अपने डेली खाने के लिए। एक जो अल्टरनेट ऑप्शन होता है आजकल के टाइम में वो टिफ़िन सर्विस का होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, आप कहीं भी जाएंगे और एक क्वालिटी का कंसर्न हमेशा रहता है। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा जरिया जहां पे आपको वैरायटी भी मिलेगा, घर का खाना भी मिलेगा और हेल्दी और हाइजीन की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमारी USP है कि आप डेली बेसिस पे खाने के लिए हमारे ऐप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। Their focus is not only on providing a sumptuous home-cooked meal, but Campus Heart also keeps a check on the hygiene part of it. Food quality के लिए हमारा एक process है। जब भी कोई kitchen start करता है, तो हम उनकी testing meal लेते हैं, उनके kitchen की testing करते हैं कि वो साफ सुथरा है कि नहीं है, कैसी condition में वो खाना बनाते हैं। उसके बाद हम उनको जो गवर्नमेंट का जो एक नॉर्म है FSSAI लाइसेंस का, वो उनको हम दिलवाते हैं। तो उसके लिए भी प्रॉपर उनकी जांच पड़ताल होती है उनकी किचन की स्टार्ट करने से पहले, और बीच बीच में भी हम लोग अपने किचन को विजिट करते रहते हैं ताकि ये चेक करने के लिए कि वो सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को अच्छा खाना मिले और हेल्दी खाना मिले। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मैनी, especially the housewives who work tirelessly all day long for their families and ask for no rewards. Campus Heart has provided a new identity to these ladies. कोविड के पहले से ही कैंपस हार्ट से जुड़ी हुई हूँ। कोविड का टाइम तो बहुत ही ऐसा टफ टाइम था, उस टाइम तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई थी, तो हम लोगों को मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी।
तो उसके बाद मैं कोविड के टाइम तो बहुत ही सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट इतना ज़्यादा कि मतलब नहीं तो कह नहीं सकते क्या बच्चों की पढ़ाई का होता अगर हम इस तरह का एक हमें रास्ता मिल गया। जो भी हुआ तो इस मतलब कोविड टाइम पे तो कैंपस आर्ट का तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो लेडीज वुमेन्स को कुछ नहीं मतलब अपना कर रहे थे, घर में थे तो उन्हें लगता था हम कुछ नहीं, तो उनका टैलेंट एक उभर के आया है सामने। हाँ, और एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं घर में रह के। इस इनकम से क्या हुआ कि हमारे बच्चों के मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से मतलब हो रही है, तो फाइनेंशियली मतलब बहुत फर्क पड़ा है। हमारा हमेशा से ही लक्ष्य रहा था कि कैसे हम अपने काम के थ्रू लोगों को जोड़े और उस जुड़ने का एक फ़ायदा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट के तौर पे आए। और अभी हम देखते हैं कि कैसे हमारे इस ऐप के थ्रू जो महिलाएं जो घर पे जो एक अच्छा कुकिंग स्किल्स लेके डेली खाना बना रही थी, आज वही खाना उनको बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, वही घर का खाना बनाने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और जैसे हम पहले रहा भी करते थे इंडिया में, एक आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा ऐप लोगों को ले जाएगा। और सिर्फ अभी तो हम खाने पे ही फोकस कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हम और भी ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे और भी स्किल्स को लोग यूटिलाइज करके बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छी कर सकते हैं। The government recognized their efforts and provided them financial support. गवर्नमेंट से बहुत सारे सपोर्ट मिले हम लोगों को। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है वहाँ से एक हमें मेथी से हम लोगों को 7 लाख का एक ग्रांट मिला था कोविड के टाइम पे ही ये ऐप बनाने के लिए, तो वो काफ़ी यूजफुल था हमारे लिए। उसके अलावा अभी 2022 में ही एक हमें 30 लाख का ग्रांट इक्विटी फंडिंग मिली है आसीम के थ्रू, एक पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसके अलावा अभी हमें एक ग्रांट और मिला है यूपी गवर्नमेंट के तरफ से, जो कि पूर्वांचल के स्टार्टअप्स को दिया जाता है। हमारी कंपनी बनारस में रजिस्टर्ड है तो उसके थ्रू भी हमें एक फ़ंड मिला है। और उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स और ऐसे चीज़ें आते रहती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हमने बहुत जगह पर अभी अप्लाई किया है और होपफुली बहुत अच्छी जगह से हमें शॉर्टलिस्ट होने की उम्मीद है। So, the next time you crave for a home-cooked meal, all you have to do is order online from Campus Heart. And your food will be delivered to you in no time by their delivery partners called the Rangers. My name is Abhay Gaur. I joined Campus Heart as a Ranger first. और ये वर्क मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मेरे 12th के पेपर फिनिश हुए थे, तो उसके बाद मुझे पता चला था कि कैंपस हार्ट फ्रेशर्स को जॉब असाइन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था लॉकडाउन में ही। और फिर मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और उसके बाद से मैं अभी तक वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। और कंपनी कैंपस हार्ट बहुत ही अच्छी है, हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है, हर चीज़ें हैं वहाँ पर, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम लोग को हेल्प करते हैं। अभी हम लोग मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हैं, 5 से 6 लाख की हम लोग सेल कर लेते हैं मंथली, और जिसमें से 10% हमारा प्रॉफिट हम बचा लेते हैं। 50 से 60 हज़ार की मंथली प्रॉफिटेबिलिटी है हम लोगों की। और इस चीज़ को हम ग्रो करना चाहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में और एक यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं कि कल को हमारे पास 1 लाख किचन्स हो और हम लोग देश हर एक कोने में, हर एक सिटीज़ में, जहाँ पर भी कोई बाहर जाता है उसको खाने की कोई दिक्कत ना हो। Innovations like Campus Heart are changing the trends of society, not just by solving a persistent problem, but by creating a social impact in the form of women empowerment and thus creating a better tomorrow. जितने भी budding entrepreneurs हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे videos, tutorials available हैं जिसको आप जाके देखिए, सीखिए कि कैसे startup करते हैं, क्या problems आती हैं। और अब अगर आपके नियर बाय में कोई भी ऐसा एक्सेलेटर प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर है तो वहाँ पे जाके आप बात कीजिए, 6 महीने 1 साल के लिए इंक्यूबेशन लीजिए, वहाँ से सीखिए और लग के काम कीजिए। मुझे लगता है अगर आप काम करेंगे 1 आइडिया पे 2 आइडिया पे, वो भले हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली से आपको सपोर्ट भी हो सकता है मिले या ना मिले, बट अगर आप काम करते रहेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ये तो सच्ची घर जैसा है। थैंक यू कैंपस आर्ट्स।